चाहे जो भी हो, नेशनल इनकम तीनों मेथड से सेम आएगा। जब आप नेशनल इनकम निकालिएगा तो तीनों मेथड से क्या आएगा, सेम। चाहे आपका एक्सपेंडिचर मेथड हो, चाहे आपका इनकम मेथड हो, चाहे आपका प्रोडक्शन मेथड हो, तीनों मेथड में से कोई भी मेथड से जब नेशनल इनकम निकालिएगा तो आंसर क्या आएगा बाबू, सेम आंसर क्या आएगा। बट आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालते हो तो किसी भी कंट्री में, किसी भी ईयर में जितना भी खर्चा होता है, किसी भी कंट्री में किसी भी ईयर में जितना भी खर्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं अबू, एक्सपेंडिचर। तो सारा खर्चा को जोड़ दीजिएगा तो नेशनल इनकम आ जाएगा। अब किसी भी कंट्री में खर्चा कैसा कैसा होता है, तो किसी भी कंट्री में मेनली चार तरह का खर्चा होता है। एक होता है सी, सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक होता है सी, सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी बुक में मत देखिए, हम जब बुक में रीडिंग करेंगे तो बुक में देखिएगा, अभी सिर्फ सुनिए, समझिए, फील लीजिए। तो एक्सपेंडिचर देखो सिंपल है, एक्सपेंडिचर मेथड से अगर नेशनल इनकम निकालना है सारा एक्सपेंडिचर को जोड़ दो, इनकम मेथड से अगर नेशनल इनकम निकालना है सारा इनकम को जोड़ दो, अब प्रोडक्शन मेथड से अगर नेशनल इनकम निकालना है तो सारा प्रोडक्शन को जोड़ दो। आज आपको हम एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड दो मेथड पढ़ाएंगे और फिर हम लोग अपना अपना घर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, अपना अपना घर। इसी चैप्टर में नेशनल इनकम का सम्स भी आता है, सम्स भी आपको हम करवाएंगे। जिस दिन सम्स करवाएंगे उस दिन मैथ्स वाला कॉपी खोल के रखिए, लेके आइएगा। मैथ्स वाला कॉपी में ही लास्ट में लिख लीजिएगा नेशनल इनकम का सम्स। जिस दिन सम्स कराएंगे ना, मैसेज कर देंगे, उस दिन मैथ्स वाला कॉपी लेके आइएगा। नेशनल इनकम का भी सम्स आता है, सम्स करेंगे, ठीक है ना बापू। तो जल्दी बताइए नेशनल इनकम निकालने का हाउ मेनी मेथड्स आर देयर, इनकम एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन, इनकम एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन, इनकम एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन, इनकम एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन। इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालेगा तो सारा इनकम को क्या करेगा, जोड़, क्या करेंगे, क्या करेंगे। और सारा नेशनल इनकम अगर एक्सपेंडिचर मेथड से निकालिएगा तो सारा एक्सपेंडिचर को क्या करेगा, जोड़ देंगे, तो नेशनल इनकम आ जाएगा। बट सवाल ये कि एक्सपेंडिचर कौन कौन सा होता है, तो किसी भी कंट्री में एक्सपेंडिचर का अगर आप बात करोगे, एक होता है प्राइवेट एक्सपेंडिचर, एक होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है नेट एक्सपोर्ट। क्या क्या होता है बताइए, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और क्या होता है बताइए, यस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये चारों को जोड़िएगा ना तो नेशनल इनकम आ जाएगा। कौन सा मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड से, एक्सपेंडिचर। तो अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालना होगा, व्हाट यू नीड टू डू, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है बाबू, बस सारा खर्चा को जोड़ दीजिए। खर्चा में क्या क्या आता है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का और एक नाम है सोशल एक्सपेंडिचर, और इन्वेस्टमेंट, और एक आता है नेट एक्सपोर्ट। भाइयों और बहनों, प्राइवेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड ऑन बाइंग द प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स को खरीदने में जो भी खर्चा आप करते हो उसको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं, प्राइवेट एक्सपेंडिचर। सर प्राइवेट गुड्स क्या होता है, प्राइवेट गुड्स वो होता है जिसका मजा सिर्फ आप लेते हो, आप कौन लेते हो, आप। जैसे ये कोचिंग का बुक अगर मान लिया सोनू खरीदा है, इसका बेनिफिट सिर्फ कौन लेगा, सोनू। कौन खरीदा है तो बेनिफिट भी कौन लेगा, सोनू। अगर मान लीजिए आप एक टी शर्ट खरीदे, वो टी शर्ट आप पहनोगे ना पूरा पाड़ा पहनेगा, आप हम क्या पहनेंगे, जब आपका टी शर्ट हम क्या पहनेंगे। अगर मान लीजिए, अच्छा एक बार बताइए, कोचिंग का गली वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, सोशल प्रॉपर्टी है, सोशल प्रॉपर्टी, लेकिन कोचिंग क्या है, कोचिंग में कौन पढ़ेगा, आप पढ़ोगे, आप लोग पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे, परमिशन के साथ कोई यूज करेगा। तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड ऑन बाइंग द प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स मतलब जिसका बेनिफिट सिर्फ आप लेते हो, जिसका पैसा है वही बेनिफिट लेगा। यस नो गाइस, मेरा मोबाइल कौन चलाते होंगे, हम चलाते हैं ना, पूरा गांव चलाता है, कौन चलाते हैं, ये कौन सा गुड्स हो गया, प्राइवेट गुड्स। लेकिन एक बार बताइए, अगर मान लीजिए, अच्छा लेक गार्डन प्राइवेट गुड्स है ना, सोशल गुड्स है। लेक गार्डन का नाम सुने हो आप लोग, जो लोग साउथ सिटी कॉलेज में हो तो ज्यादा सुने होंगे, कॉलेज का बगल में ही, मॉर्निंग वॉक करते करते चले जाएंगे, जो लोग श्रीनाथ शास्त्री में हो, बात समझ ना, मॉर्निंग वॉक करते 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 लेक गार्डन, कहाँ बाबू, लेक गार्डन। तो लेक गार्डन कहाँ, लेक गार्डन में सिर्फ आप मॉर्निंग वॉक करने जाइएगा ना, सभी करने जाएंगे, मन नहीं लग रहा लेक गार्डन में आके किताब खोल के पढ़ने लग गए, फोकस कर पाइएगा पढ़ाई पे, नहीं कर पाइएगा। तो जो सोशल समाज के गुड्स है उसको कौन से गुड्स बोलते हैं, सोशल।
अच्छा जोगो माया कॉलेज, जोगो माया कॉलेज के बगल में भी तो पार्क है, हर जगह पार्क है। तो ये क्या है, कौन सा गुड्स हो गया बताइए? सोशल। हावड़ा ब्रिज प्राइवेट गुड्स ना सोशल गुड्स? हावड़ा ब्रिज पे खाली हम जाएंगे कि सब जाएगा? सियालदह स्टेशन प्राइवेट की सोशल? अच्छा अब बताइए आपका कॉलेज जो है वो भी सोशल हो गया, जिसका बेनिफिट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी वो क्या हो गया बताइए? सोशल गुड्स। जिसका बेनिफिट इज टेकन बाय अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन उसको क्या बोलेंगे बताइए? प्राइवेट। समझ रहे हो क्या बोले? तो हम आपसे पूछ रहे बताइए एक्सपेंडिचर कितना तरह का होगा? दो, प्राइवेट और सोशल। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो गया, और उसके बाद नेट एक्सपोर्ट हो गया, ये चारों चीज को जोड़ेंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा अंडर कौन सा मेथड बोलिए? एक्सपेंडिचर मेथड। देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में आई द थर्ड मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज एक्सपेंडिचर मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंज्यूमर ऑन फाइनल गुड्स। इस मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम कैसे निकालते हो आप? जितना आप खर्चा किए हो सारा खर्चा को जोड़ दोगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा। दस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू सम ऑफ नेशनल इनकम में क्या क्या आता है? सी। सी मतलब कौन सा एक्सपेंडिचर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जी जी मतलब कौन सा एक्सपेंडिचर? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आई आई मतलब क्या बोली तो? इन्वेस्टमेंट। उसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बट उसको सिंपल भाषा में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? और नेट एक्सपोर्ट। तो जल्दी बताइए नेशनल इनकम अगर एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है तो कितना चीजों जोड़िएगा? सुनाई नहीं दे रहा भाई? एकदम ही सुनाई नहीं दे रहा? यस। चिल्लाइए चीखिए याद करिए घर में और एकदम पढ़िए रेगुलर। चार, चारों का नाम सी जी आई एक्स। सी जी आई एक्स। सी जी आई एक्स। सी फॉर कंजम्पशन, जी फॉर गवर्नमेंट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट और एक्स फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करिएगा तो आएगा नेट नेट एक्सपोर्ट, नेट नेट नेट। यस उसका देखिए लिखा होगा बुक में। अब ये चारों के बारे में लिखा हुआ है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शोज एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस बाय द रेसिडेंट हाउसहोल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। जो प्राइवेट गुड्स होता है, जो प्राइवेट है, जो आपने बनाया है, इसका बेनिफिट सिर्फ आप लोगे। आप वो प्राइवेट गुड्स, आप एक टी शर्ट खरीद के लाए, वो टी शर्ट सिर्फ आप पहनोगे ना पूरा एरिया पहनेगा, आप पहनेंगे प्राइवेट गुड्स। और आप मान लीजिए अपना एरिया में गली में एक नल लगा दिए जिससे सारे लोग पानी पी पाए, ये कौन सा गुड्स हो गया? सोशल गुड्स। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शोज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विस क्या हुआ? गवर्नमेंट स्कूल बनाया, गवर्नमेंट रोड बनाया, गवर्नमेंट ब्रिज बनाया, गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाया, गवर्नमेंट धर्मशाला बनाया, गवर्नमेंट जो भी चीज बनाया वो कौन सा एक्सपेंडिचर? गवर्नमेंट मतलब सोशल एक्सपेंडिचर। और जो हम लोग बनाए कौन सा एक्सपेंडिचर? प्राइवेट। बोलिए ना। आज सबका है सोशल। लेक गार्डन प्राइवेट की सोशल? विक्टोरिया सोशल। मिलेनियम पार्क सोशल। उसके बाद सियालदह स्टेशन सोशल। हावड़ा सोशल। रोड सोशल। समझ गया ना? गवर्नमेंट का खर्चा यही समय रोड बिल्डिंग ब्रिज हॉस्पिटल स्कूल यही समय खर्चा है गवर्नमेंट का। अब आइए ग्रॉस, अच्छा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जब आप देखो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शोज एक्सपेंडिचर एंड गुड्स एंड सर्विस इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा उसके बाद अगला पॉइंट में आइए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना तरह का है? दो, एक होता है फिक्स कैपिटल में और एक होता है वर्किंग कैपिटल में। तो फिक्स कैपिटल मतलब क्या? लैंड बिल्डिंग फर्नीचर मोटर का खरीद लिया, ये हो गया ये हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बात नहीं अब ये हो गया ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया बताइए? तो इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक में जब पैसा लगाएंगे तो उसमें नेट इन्वेस्टमेंट। तो मतलब जैसे हम लैंड खरीद लिए बिल्डिंग खरीद लिए जैसे कोचिंग पढ़ा रहे तो मान लीजिए हम ये कोचिंग में टाइल्स वाइल्स लगाए, ये मेरा कौन सा इन्वेस्टमेंट हो गया बताइए? ग्रॉस। कौन सा इन्वेस्टमेंट? बोलिए ना। ग्रॉस मतलब मोटा और मोटा और तो जो मेरा मोटा मोटी खर्चा होगा वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और काट कूट के जो खर्चा होगा, काट कूट के मतलब क्या? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ये क्या हो गया? नेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा कोचिंग को पढ़ाने में जो प्रिंट आउट जीरोक्स ये सब आप लोगों को देंगे एमसीक्यू का, ये सब क्या हो गया? नेट। ये सब क्या हो गया बाबू? नेट। और जो मोटा मोटी इन्वेस्ट किया, टाइल्स लगाया, मार्बल लगाया, ये सब चीज जो लगाया है कोचिंग में, एसी वेसी लगाए, ये सब कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ग्रॉस। कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ग्रॉस। बोलिए ना। चलिए समझ गया ना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या पड़ता है। और नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो भाइयों और बहनों, भाइयों और एक्सपोर्ट समझते हो ना? दूसरा देश में बेचेंगे तो एक्सपोर्ट, दूसरा देश से खरीदेंगे तो इंपोर्ट, बेचेंगे तो खरीदेंगे तो इंपोर्ट। एक सेकंड खाली रुक जाइए। तो देखिए
तो बाबू देखिए देखिए वहां पे लिखा हुआ भी है जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू। देखिए जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं बुक सामने रहेगा, आराम से आप वीडियो ऑन कर लीजिएगा, देखते रहिएगा, कोई पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं। इतने दिन से पीडीएफ से कर रहे थे, दिक्कत हो रहा था। चलिए आइए, अकाउंट्स का बुक भी एक दो दिन में आ जाएगा। तो आ जाओ भाई, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ओ बाबा, सी का फुल फॉर्म क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई का फुल फॉर्म? जी का फुल फॉर्म? और एक नेट एक्सपोर्ट का फुल फॉर्म एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट। एक्स मतलब में से इंपोर्ट माइनस करिएगा, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करिएगा, तो क्या आ जाएगा? नेट एक्सपोर्ट। तो ये सारा को जोड़िएगा तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा अंडर कौन सा मेथड? एक्सपेंडिचर में। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्रिकॉशन, आपको मैंने याद है पढ़ाया था कि नेशनल इनकम कोई भी मेथड हो आपको प्रिकॉशन पढ़ना पड़ेगा। प्रिकॉशन मतलब क्या बोलिए? तो कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पे नेशनल इनकम जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, उसको बोलते हैं प्रिकॉशन। आप लोग जो लोग सेकंड लास्ट क्लास किए हो, हम लोग उस मेथड में भी पढ़ाए थे प्रिकॉशन, याद आ रहा? हम लोग इनकम मेथड में भी प्रिकॉशन पढ़ाए थे, याद आ रहा? एक्सपेंडिचर में भी प्रिकॉशन पढ़ा रहे और प्रोडक्शन मेथड में भी प्रिकॉशन पढ़ाएंगे, यस। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या प्रिकॉशन है देखिए। पहला प्रिकॉशन है एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी एक्सक्लूडेड। सेकेंड हैंड सामान में अगर कोई खर्चा करते हो आप, तो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं हो। देखिए हम लोग जो भी नोट्स आपको दिए हैं ना, वो सब हम लोग बुक से ही बना के, इकोनॉमिक्स का सबसे अच्छा बुक सीयू में ये वाला है, हम लोग ये बुक से ही नोट्स बना के दिए, वहीं से कॉपी कर करके दिए। बस बुक में क्या होता है ना, बहुत सारा इररेलीवेंट पार्ट दिया रहता है, वो वाला पार्ट को हटा के जो रेलिवेंट पार्ट है वही कवर कर। तो जितना भी है, जस्ट टैक्स का बुक, हमें मुंद्रा इन मुंद्रा का बुक से ही कॉपी करके नोट्स को कंसाइज करके दिए। लिंक क्या है? जो रेलिवेंट है वही दिया, अननेसेसरी चीज को रिमूव कर। अकाउंट्स का बुक हनी मुखर्जी का बुक से ही हम लोग दिए, लिंक क्या है? जहां जहां इरेलीवेंट पार्ट है उसको रिमूव करके दिए। बात समझे ना? तो हर बुक हम लोग क्या किए, मेन बुक से ही फॉलो करके दिए, लेकिन जो इरेलीवेंट पार्ट है उसको रिमूव कर दिए। आज जितना जरूरत है उतना ही आपको दिया गया, बस खत्म। बात समझ रहे ना? तो इसी बात पे जल्दी बता दीजिए, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर जो खर्चा करेंगे वो इंक्लूड होगा? जैसे एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए हम एक ये कोचिंग सेकेंड हैंड कोचिंग है, बिल्डिंग देख के भी बाहर से लगता है सेकेंड हैंड। ये कोचिंग मान लीजिए हम खरीदे और खरीद करके इतना सारा खर्चा किए, अब ये जो हम खर्चा किए क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जिस साल में ये कोचिंग बिक्री हुआ होगा, जिस साल में कोचिंग बना होगा, उस साल में खर्चा हो गया होगा। तो एक चीज के ऊपर दो दो बार खर्चा इंक्लूड नहीं होगा। तो कभी भी जब कोई सेकंड हैंड गुड्स खरीदते हो ना, जैसे मान लीजिए आप एक मोबाइल खरीदे और उस मोबाइल में अच्छा से कवर लगाए, हेना लगाए, तेना लगाए, क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? नहीं, क्योंकि वो कौन सा गुड्स हो गया बताइए? सेकंड हैंड गुड्स। तो सेकंड हैंड गुड्स के ऊपर कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप करोगे, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। यस नो गाइस? उसके बाद आइए, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट शुड बी एक्सक्लूडेड। आपको हम उस दिन भी पढ़ाए थे ट्रांसफर पेमेंट का मतलब, सरकार अगर हम लोग को कुछ दे रहा है, जैसे गवर्नमेंट क्या दे रहा है, गवर्नमेंट हम लोग को क्या देता है? तो गवर्नमेंट हम लोग को मान लीजिए स्कॉलरशिप दिया है। आप लोग में बहुत बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा ना, स्कॉलरशिप गवर्नमेंट दिया है। गवर्नमेंट आपको जो भी बेनिफिट दे रहा उसके बदले तो आप कुछ क्रिएट नहीं ना कर रहे हो, तो नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट विल नॉट बी इंक्लूडेड। ट्रांसफर पेमेंट रेफर्स टू द पेमेंट विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड विच इज सिंगल साइडेड, जहां पर उसके बदले में आप कुछ क्रिएट नहीं करते हो, जैसे विडो एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सारा। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सारा चीज क्या होता है? ये सारा चीज सिंगल साइडेड पेमेंट। लौकी भंडार बंगाल में, अगर आप बंगाल में रहते हो तो आप सुने होंगे लौकी भंडार। कौन भंडार? लौकी भंडार। लौकी भंडार में जो पैसा मिलता है वो कौन सा है, सिंगल साइडेड की डबल साइडेड? सिंगल साइड। आप लोग को जो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप मिल रहा है वो सिंगल है ना डबल है? सिंगल। आप लोग कुछ बना के दे रहे हो सरकार को उसके बदले? कन्याश्री, बहुत सारे कन्याश्री यहाँ पे बैठे हुए हो, तो आप लोग कन्याश्री मिला ना? मिला ना बाबू? झूठ लेके पैसे लेके झूठ मत बोलिए, गलत कर रहे। क्यों नहीं मिला? जा बाबा, ये कन्या का उम्र कम है इसलिए इनको मिला ही नहीं। तो कन्या का उम्र अगर कम होगा तो मिला ही नहीं स्कॉलरशिप। तो जिसको मिला, आप लोगों को मिला ना बाबू? लेके झूठ बोल रहे आप लोग। अच्छा, प्राइवेट स्कूल से पढ़े, नहीं मिला? अभी तो कॉलेज में भी तो मिलता है शायद। अच्छा, आपका कम हो गया उम्र, आपका उम्र बढ़ गया। तो ये होता है एक्चुअली, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन, एक बच्चे का उम्र ही कम हो गया, नहीं मिला एक बच्चे का ज्यादा, एक दो बच्चे को मिला। जिनको मिला आपके लिए ट्रांसफर पेमेंट है, नेशनल इनकम इंक्लूड होगा? नहीं। तो बोले आप सोचोगे भैया ये तो बात आप उस दिन भी पढ़ाए थे, उस दिन इनकम के साइड से पढ़ाए थे, आज खर्चा के साइड से पढ़ाए थे। कोई अगर ले रहा है तो कोई दूसरा दे रहा है, आप अगर ले रहे हो तो कोई तो है जो आपको दे रहा है। तो एक आदमी जो पैसा दे रहा है, दूसरा है जो पैसा ले रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट।
आओ पढ़ाई पे ध्यान दो, बदमाश हो आप लोग। देखो प्री क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है। तीसरा, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर और बॉन्ड। शेयर मार्केट में जैसे खर्चा करिएगा ना, जैसे ब्रोकर को पैसा दिए, तो ये सब खर्चा आपका इंक्लूडेड नेशनल इनकम में नहीं होगा। टू अवॉइड डबल काउंटिंग, एक्सपेंडिचर ऑन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स शैल बी एक्सक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ाया था चैप्टर वन में। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में खर्चा करेंगे वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल दे रहे, शर्ट, शर्ट किससे बना बताइए? शर्ट कपड़ा से बना है, फैब्रिक से बना है, जो भी कपड़ा से बना है। तो कपड़ा बनाने में भी तो खर्चा लगता है, ये सुनो। कपड़ा बनाने में जो खर्चा लगा, देखिए जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में जो खर्चा, बटन, बटन देख रहे हो ना, अब इसकी भावनाओं में तोड़ नहीं देना है। तो बटन जो है, तो बटन में भी, तो बटन को बनाने में भी तो खर्चा लगा होगा। तो रॉ मटेरियल में जो खर्चा लगेगा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। नेशनल इनकम में वही खर्चा इंक्लूड होगा जो फाइनल गुड्स में लगा है, फाइनल सामान को बनाने में लगा है। क्लियर गाइस? लास्ट पॉइंट है, इंप्यूटेड एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट। ओन अकाउंट मतलब मान लीजिए मेरा घर है और इसी घर, ये मैं हूं, ये मेरा घर है, यहां पे हम ट्यूशन पढ़ा रहे, ये हो गया, ये क्या हो गया पता है? इसको बोलते हैं इंप्यूटेड रेंट। ये मैं हूं, ये मेरा घर है, यहां पे हम क्या पढ़ा रहे? कोचिंग। ये कौन है? मैं। ये कौन है? मेरे कोचिंग सेंटर। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? ट्यूशन पढ़ा रहे। ये हो गया इंप्यूटेड। क्या हो गया वो? इंप्यूटेड। अगर आपका सेल्फ सर्विस होता है ना, सेल्फ सर्विस, अपना कोचिंग, अपना घर, अपना एफर्ट, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि मालिक है हम। क्या है बाबू? मालिक है। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इंप्यूटेड एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट। ओन अकाउंट मतलब अपना अकाउंट में, अगर अपने ऊपर कुछ खर्चा करिएगा तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। बात नहीं बाबू? हो गया, खत्म हो गया। तो एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड में इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं। अब आते हैं हीरो का एंट्री होगा। अब आ जाइए कॉन्सेप्ट नंबर 5, प्रोडक्शन मेथड। रेडी गाइस? ये थोड़ा बड़ा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्शन मेथड ध्यान से सुनिएगा। अब अगला मेथड में चलते, देखिए अगला मेथड कौन सा है? प्रोडक्शन मेथड। इसका स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट बोर्ड में नहीं बताएंगे ना, आपको समझ नहीं आए। अगला कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन मेथड, सुनिएगा बाबू। अगर प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग प्रोडक्शन मेथड। जब आप प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा? जैसे मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर ईयर में जो भी सामान बनता है, चाहे वो गुड्स बने चाहे वो सर्विस बने, उसका मनी वैल्यू को हम लोग जोड़ देंगे तो प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम आ जाए। अब सिंपल में समझो ना, इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना है तो किसको जोड़ना होगा? इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालना है तो किसको जोड़ना होगा? एक्सपेंडिचर। अब प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम निकालना है तो किसको जोड़ना होगा? प्रोडक्शन। यस और नो? हाँ कि नहीं? अब जब प्रोडक्शन मतलब साल भर में जितना भी सामान बनाए, जैसे हम चप्पल बनाए इस साल में, उसका दाम है 500 रुपया, जोड़ दीजिए नेशनल इनकम। सोनू बैग बनाए, उसका दाम है 300 रुपया, जोड़ दीजिए नेशनल इनकम। तो किसी भी कंट्री में किसी भी ईयर में जितना भी सामान बना है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, उसका मनी वैल्यू को जोड़ दोगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा। अंडर विच मेथड? प्रोडक्शन मेथड। कौन सा मेथड बताओ? प्रोडक्शन मेथड। तो मनी वैल्यू ही क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि देखिए जैसे हम चप्पल बनाते हैं, चप्पल का अलग यूनिट होता है। चप्पल जब आदमी बेचता है, चप्पल कैसे बिकता है? जोड़ा में। चप्पल सिंगल बिकता है ना, जोड़ा में। ऐसा हुआ कि एक तो चप्पल खरीद के लाया, आप एक चप्पल नहीं खरीदते, एक जोड़ा, एक पेयर में ना चप्पल होता है, एक पैर का चप्पल ये ले लिया, दूसरा पैर का चप्पल नहीं लिया, होगा? चप्पल का यूनिट क्या है? पेयर। जूता का यूनिट क्या है? पेयर। बैग को किसमें बेचते हैं? पीसेस में, एक पीस बैग, दो पीस बैग, तीन पीस बैग। समझ रहे हो ना क्या बोले? अच्छा, अगर मान लीजिए हम कोचिंग पढ़ा रहे, इसका यूनिट क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हर चीज का तो यूनिट अलग अलग होता है। हॉस्पिटल का यूनिट क्या है? नंबर ऑफ पेशेंट्स। नॉर्मली बता रहे आप, तो हर चीज का अलग अलग यूनिट है। इसीलिए इकोनॉमिक्स में बोला गया है कि जब आपको नेशनल इनकम निकालना होगा प्रोडक्शन मेथड से, तो क्या करिएगा? पूरा साल भर में जितना भी गुड्स एंड सर्विस बनाए हैं सबका मनी वैल्यू को जोड़ दीजिएगा। मनी वैल्यू को तो किसी भी साल में किसी भी कंट्री में जो भी सामान बना है उसका मनी वैल्यू को जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा। अंडर कौन सा मेथड? अब यहां पर